आज हम लोग यहाँ शक्ति की पूजा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। अभी तक अनेक संत साधुओं ने, ऋषि मुनियों ने शक्ति के बारे में बहुत कुछ लिखा और बताया है, और जो शक्ति का वर्णन उन्होंने अपने गद्य में नहीं कर पाए उसे उन्होंने पद्य में किया, और उस पर भी इसके बहुत से अर्थ भी जाने। लेकिन एक बात शायद हम लोग नहीं जानते कि हर मनुष्य के अंदर ये सारी शक्तियां सुप्तावस्था में है, और ये सारी शक्तियां मनुष्य अपने अंदर जागरूक कर सकते। ये सुप्तावस्था की जो शक्तियां हैं उनका कोई अंत ही नहीं, ना ही उनका कोई अनुमान कोई दे सकता, क्योंकि ऐसे ही 35 कोटि तो देवता आपके अंदर विराजते, उसके अलावा न जाने कितनी शक्तियों को चला रहे हैं। लेकिन इतना हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमने आज आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है तो उसमें जरूर कोई न कोई शक्तियों का कार्य हुआ, उस कार्य के बगैर आप आत्म साक्षात्कार को नहीं प्राप्त कर सकते। ये आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करते वक्त हम लोग सोचते हैं ये सहज में हो गया, पर सहज में दो अर्थ, एक तो सहज का अर्थ ये भी है कि आसानी से हो गया, सरलता से हो गया, और दूसरा अर्थ ये होता है कि जिस तरह से जीवंत क्रिया अपने आप घटित हो जाती है उसी प्रकार आपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया। लेकिन ये जीवंत क्रिया जो है इसके बारे में अगर आप सोचने लग जाए तो आपकी बुद्धि कुंठित हो जाएगी। समझ लीजिए ये आपने एक पेड़ देखा, इस पेड़ की ओर आप नजर करिए तो आप ये सोचेंगे कि भाई ये फलाना पेड़ है, लेकिन इस पेड़ को इसी रूप में ऐसा ही इतना ही ऊंचाई पर लाने वाली कौन सी शक्ति है? किस शक्ति ने इसको यहाँ पर इस तरह से बनाया है कि जो वो अपने सीमा में रह करके और अपने स्वरूप रूप उसी के साथ चलता रहे? फिर सबसे जो कमाल की चीज है वो मानव मनुष्य जो बनाया गया है, वो भी एक विशेष रूप से, एक विशेष विचार से बनाया गया है, और वो मनुष्य का जो भविष्य है वो उसे प्राप्त हो सकता है, उसको मिल सकता है, पर उसकी पहली सीढ़ी है आत्म साक्षात्कार। जैसे कि कोई दीप जलाना हो तो सबसे पहले है कि उसके अंदर ज्योति आनी पड़े, उसी प्रकार एक बार आपके अंदर ज्योति जागृत हो गई तो आप उसको फिर से प्रज्वलित कर सकते हैं या उसको आप बढ़ा सकते हैं, पर प्रथम कार्य है कि ज्योति प्रज्वलित हो, और उसके लिए आत्म साक्षात्कार नितांत आवश्यक है। किंतु आत्म साक्षात्कार पाते ही सारी ही शक्तियां जागृत नहीं हो सकती, इसीलिए ये साधु संतों ने और ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की है कि आप देवी की उपासना करें। लेकिन जो आदमी आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है उसको अधिकार नहीं है कि वो देवी की पूजा करे। बहुत से लोगों ने मुझे बताया कि वो सप्त सदी का कभी अगर पाठ करें और उनका यह हवन करते हैं तो उनको बड़ी आफते आ जाती है और उनको बड़ी तकलीफ हो जाती है और वो बहुत सफर करते हैं। तो उनसे ये पूछना चाहिए कि आपने किससे करवाया? तो कहेंगे कि हमने 7 ब्राह्मणों को बुलाया था क्या, और वो ब्राह्मण नहीं, इन्होंने ब्रह्म को जाना नहीं वो ब्राह्मण नहीं,
और ऐसे ब्राह्मणों से कराने से ही देवी दुष्ट हो गई और आपको तकलीफ हुई। तो आपके अंदर एक बड़ा अधिकार है कि आप देवी की पूजा कर सकते हैं और साक्षात देवी पूजा कर सकते हैं। यह अधिकार सबको नहीं है, अगर कोई कोशिश करे तो उसका उल्टा परिणाम हो सकता है, उसका विपरीत परिणाम हो सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि शक्ति जो है वो जितनी ही आपको आराम देती है, जितनी वो आपके सज्जन का व्यवस्था करती है, जितनी वो आपके प्रति उदार और प्रेममयी है, उतनी ही वो क्रूर और क्रोधमयी है। कोई बीच का मामला नहीं है, या तो अति उदार है और या तो अति क्रोधित है, बीच में कोई मामला चलता नहीं। वजह यह है कि जो लोग वहां दुष्ट है, राक्षस है, और जो संसार को नष्ट करने पे आमादा है, जो लोगों को भूल भुलैया में लगाए हुए हैं और कलयुग में अपने को अलग अलग बता करके कोई साधु बना है तो कोई पंडित बना हुआ है, कोई मंदिरों में बैठा है तो कोई मस्जिदों में बैठा है, कोई मुल्ला बना हुआ है, कोई पोप बना हुआ है, तो कहीं कोई पॉलिटिशियन बना हुआ है, ऐसे अनेक अनेक कपड़े परिधान करके जो अपने को छिपा रहा है, जो कि राक्षसी वृत्ति का मनुष्य है, उसका नाश होना आवश्यक है। लेकिन ये जो नाश की शक्तियां हैं, इसके तरफ आपको नहीं जाना चाहिए। आप सिर्फ इच्छा मात्र करें और ये शक्तियां अपने ही आप कार्य कर लें, तो सारे संसार जो ये चैतन्य बह रहा है, ये उसी महामाया की शक्ति है, और इस महामाया की शक्ति से ही सारे कार्य होते हैं। और ये शक्ति सबकी सोचती है, जानती है, सबको पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से लाती है, जिसे कहते हैं ऑर्गेनाइज कर लेती है, और सबसे बड़ी चीज है कि ये आप पर प्रेम करती है, और इसका प्रेम निर्वाज्य। इस प्रेम में कोई भी मांग नहीं, सिर्फ देने की इच्छा है, आपको पनपाने की इच्छा है, आपको बढ़ाने की इच्छा है, आपकी भलाई की इच्छा है। लेकिन इसी के साथ साथ जो चीजें कांटे बन करके आपके मार्ग में रुकावट डालेंगे, आपके धर्म में खलल डालेंगे, या किसी भी तरह से आपको तंग करेंगे, ऐसे लोगों का नाश करना अत्यावश्यक है। लेकिन उसके लिए आप अपनी शक्ति न लगाएं। आपको सिर्फ चाहिए कि आप उस शक्ति के लिए सिर्फ पाचारण करें, आवाहन करें देवी का, और उनसे कहिए कि ये जो अमानुष लोग हैं, इनका आप नाश करें। आज का विषय आपके सामने बताया गया है, बड़ा ही मनोरंजक तथा आकर्षक है। कुंडलिनी और ईसा मसीह, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, सर्वसाधारण सामान्य लोगों के लिए ये बहुत ही अभिनव बात है, और इस तरह कभी भी कोई संबंध आज तक किसी ने उसका जोड़ा नहीं था। इसका कारण यह है कि धर्म के वृक्ष में जब जब फूल खिले हैं तो वो अनेक प्रांतों में, अनेक देशों में, अनेक भाषाओं में सुगंधित रहे। लेकिन उनका संबंध आपस में क्या बना रहा, वो सिर्फ वृक्ष ही जान सकता है। जहां जहां वो खिले हैं, जहां जहां उनकी सुगंध फैली है, वहां के लोगों ने उन्होंने कभी अपनाया नहीं, तो फिर और लोग इसे कैसे जान सकते थे या समझ सकते थे कि ये फूल एक ही वृक्ष में लगे हुए। अब हम उस तरफ से बात कर रहे हैं जहां पर आपको अभी तक पहुंचाया नहीं गया। जब आप वहां पहुंच जाइएगा तब हमारी बात आपको बहुत आसानी से समझ आएगी, क्योंकि जो भी हम कह रहे हैं
वो सत्य है या असत्य है ये जानने का आपके पास कोई तरीका नहीं, उसका सबूत आपके पास कोई नहीं। आप कैसे जानिएगा कि हम जो कह रहे हैं ये सच है या झूठ? इसका जानने का तरीका जो है वो ये है कि आपको अपना ही अर्थ अभी तक लगाना। आप अभी तक उस स्तर पर नहीं है जहां आप सत्य से संबंधित हो गए हो। इसी कारण कोई चीज सत्य है या असत्य है, सिर्फ ये किंवदंती है या कोई मन की गढ़ी हुई बात है, ये आप नहीं बता सकते। जो लोग जिसे हम कहते हैं पार हो गए हैं, वो इस बात का पूरे तरह से परिचय पा सकते हैं कि कौन सी बात सच है और कौन सी बात झूठ है, क्योंकि उनके हाथ से जो तरंग बह रहे हैं, जो कल हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था और बहुत से लोगों के हाथ से जो ये तरंगे बहने लगे थी, उस पर आप गरी से आके तो आप समझ सकते हैं कि जो बात हम कह रहे हैं पूर्ण सत्य है। ईसा मसीह के बारे में ईसाई लोग सिर्फ उसे बाइबल से जानते हैं, जो कि बड़ी गूढ़ किताब है। उसकी गूढ़ता इतनी है कि उसका कोई भी अर्थ ये लोग न लगाने के कारण कुछ न कुछ भी प्रयास करते हैं। जैसे कि बाइबल में लिखा हुआ है कि आई विल अपियर बिफोर यू लाइक टंग्स ऑफ फ्लेम्स, इसका अर्थ वो लोग नहीं दे सकते। वो सोचते हैं कि जब भगवान सामने आएंगे तो उनके अंदर से इस तरह से ज्वालाएं निकलती रहेंगी। इसका अर्थ ये नहीं, इसका अर्थ ये है कि हम सहस्त्रार में तुम्हें दिखाई देंगे। सहस्त्रार का वर्णन है, अनेक तरह से कुंडलिनी का वर्णन बाइबल में है, असंख्य उसके कोटेशन आपको हम दे सकते हैं। ईसा मसीह ने कहा है कि दोज हु आर नॉट अगेंस्ट मी आर विथ मी, जो मेरे खिलाफत में नहीं है वो मेरे साथ है। ईसाइयों से जाकर अगर आप पूछे कि ये कौन लोग हैं तो उनको इनका पता नहीं, उन्होंने तो ये बना लिया है कि ईसा मसीह ने कहा था कि आई एम द पाथ, आई एम द डोर, मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं। लेकिन ये नहीं कहा था कि आई एम द डेस्टिनेशन, कि मैं मंजिल हूं, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। अगर उन्होंने कहा था मैं रास्ता हूं और मैं दरवाजा हूं तो फिर मंजिल कोई और होती। इतने गूढ़ भाषाओं में बात करने के बाद भी उस जमाने के जो दुष्ट लोग थे, 4 साल के अंदर, सिर्फ 4 साल उनको जीने दिया, 4 साल के अंदर उन्हें क्रॉस पे चढ़ा दिया गया। और आज भी जो लोग उनको मानते हैं और कहते हैं कि हम उनके धर्म का पालन करते हैं, वो भी हर दिन उनके सारे जो तत्व हैं उनकी बलि चढ़ाते रहते हैं। जैसे मैंने आपसे कल कहा था कि हिंदू लोग भी उतने ही बेवकूफ़ हैं जितने मुसलमान, उतने ही ईसाई। ईसा मसीह के बारे में अगर आप देवी भागवत पढ़ सकें कभी, तो उसमें आपको इसका पता लगेगा कि श्री राधा जी ने अपने ही मनोबल से इनका निर्माण किया है, जिसका नाम उन्होंने महाविष्णु बनाया है। इसको 2 हिस्से में एक अंडाकृति उन्होंने बनाया था। इस अंडाकृति का जो बेस है वो श्री गणेश है। श्री गणेश ही मूलतः जीसस क्राइस्ट की शक्ति है। और जो दूसरा अंडाकृति का भाग है वो जिसे हम षडानंद कहते हैं, षणमुखानंद कहते हैं, इसको कार्तिकेय कहा जाता है, वो हिस्सा। इस पूर्ण अंडे में जो प्राण है वही ईसा मसीह है। पूर्ण ब्रह्म तत्व ओंकार जो है वही ईसा मसीह है। कुंडलिनी का सारा ही अस्तित्व उनकी वजह से है कहना चाहिए, और वही कुंडलिनी के आधार पर बैठे रहते हैं। श्री राधा जी ने इनको जन्म किया था, ये आपको अगर आप देवी जी का पुराण पढ़ें तो पता होगा। पर मार्कंडेय को पढ़ने के लिए हमारे आज के मॉडर्न लोग कहाँ तैयार हैं? मार्कंडेय जैसा दृष्टा आपको कहीं ढूंढे से नहीं मिलेगा। एक से एक बारीक चीज़ें देवी की उन्होंने बताई हुई है कि देवी की क्या पहचान है, देवी किस तरह से कपड़े पहनती है, देवी के क्या उनके शौक हैं, वो किस तरह की है, उनका चलन वलन सब, हर एक बारीक बारीक इतनी बातें उन्होंने बताई हुई है कि कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि किस कदर इन्होंने इतनी बातें जानी। लेकिन हमारे आजकल के जो आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा से शिक्षित जो लोग हैं, वो तो यह भी मानने को तैयार नहीं है कि संसार में देवी नाम की भी कोई चीज़ होती है और दैवी शक्ति नाम की भी कोई चीज़ होती है।
हालांकि आज अंग्रेज इस तरफ मुड़ रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तानी तो अभी भी बहुत बड़े अंग्रेज बने हुए। मैं बहुत बार कहती हूँ कि अंग्रेजों के टेल कोर्स छोड़ करके हमारे हिंदुस्तान में ज्यादा अंग्रेज हैं बनिस्बत इंग्लैंड में। मार्कंडेय पुराण मेरे ख्याल से आप लोगों में से बहुत ही कम लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन उसमें अगर आप पढ़ें तो महाविष्णु की स्थापना, उस पर आप अगर ध्यान दें तो आप समझ जाइएगा कि ये पूरे पूर क्राइस्ट का ही या ख्रिस्त का ही पूरे पूर वर्णन है।